हेलो राधे राधे, आप लोग कैसे हो। आज मैं टॉपिक पे बात करने वाली हूँ कि शॉर्ट वीडियो आप लोग एक दिन में कितना अपलोड करते हो। अगर आप वो शॉर्ट वीडियो एक दिन में एक अपलोड करते हो, दो अपलोड करते हो, तो यहाँ पे आप गलत कर रहे हो। अगर एक दो अपलोड कर रहे हो तो एक दिन में, तो 20 कहाँ से आएगा, आपका सब्सक्राइबर कहाँ से बढ़ेगा और मोनेटाइज चैनल आपका कैसे होगा। वॉच टाइम कम्प्लीट होगा ही नहीं, तो आपका कैसे मोनेटाइज होगा चैनल। तो आज इस टॉपिक में बात करने वाली कि शॉर्ट वीडियो एक दिन में आप लोग कितना अपलोड कर सकते हैं। आप एक दिन में शॉर्ट वीडियो 8-10 तो वीडियो अपलोड करिए। अगर 8-10 वीडियो अपलोड नहीं करोगे तो फिर आप लोगों का व्यूज़ कैसे बढ़ेगा। एक दिन में अगर एक अपलोड कर रहे हो व्यूज़, तो उसमें कितना व्यूज़ आएगा। बहुत आएगा, 8-10 या 50-60 हज़ार इतना आ सकता है। अगर इतना आएगा तो इतने में सब्सक्राइबर आपका कितना आएगा, 2-4 या 5 या 10। तो इतने में आप लोग कैसे बढ़ोगे आगे, आप लोगों का चैनल कैसे मोनेटाइज होगा, वॉच टाइम कंप्लीट कैसे होगा। तो इसीलिए अगर शॉर्ट वीडियो आप बना रहे हो तो शॉर्ट वीडियो पहले नंबर तो आपको एक दिन में कम से कम 10 अपलोड करना होगा। अगर 10 अपलोड कर रहे हो तो आप लोग देखोगे कि आपके सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। एक दिन में 100, 50, 60 ऐसे ऐसे सब्सक्राइबर बढ़ने लगेंगे। आपको अगर विश्वास ना हो तो आप एक दिन में 8-10 वीडियो अपलोड करिए और करने के बाद तब देखिए कि आप लोगों का सब्सक्राइबर बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा। तब आके मेरे चैनल पे बताइए कि दीदी आपने जो कहा था सही कहा था, गलत नहीं कहा था। तो मैं खुद करती हूँ, एक दिन में 8-10 वीडियो शॉर्ट में अपलोड करती हूँ। क्योंकि शॉर्ट आप लोग जानते हो क्योंकि वॉच टाइम शॉर्ट पे कंप्लीट नहीं होता जल्दी। अगर एक वीडियो आप लोग डाल रहे हो तो शॉर्ट तो उसमें वॉच टाइम कहाँ से कंप्लीट होगा। सब्सक्राइबर तो मान लो कंप्लीट हो ही जाता है, लेकिन वॉच टाइम कंप्लीट नहीं होता। तो इसलिए आप एक दिन में कम से कम 8 या 10 शॉर्ट वीडियो जरूर से ज़रूर आप लोग अपलोड करिए। आप लोगों को अपलोड का टाइमिंग तो पता है, अपलोड का टाइमिंग आप लोगों को कम से कम 2 या 3 बजे या 5 से 6 बजे आप लोग अपलोड करोगे तो देखोगे कि आपका व्यूज़ धड़ाधड़ बढ़ रहा है उस पर। बिल्कुल जल्दी जल्दी से मतलब व्यूज़ आ रहे हैं, क्योंकि उस टाइम लोगों को छुट्टी हो जाती है, ऑफिस से सब घर आ जाते हैं। तो 5 से 6 के बीच में अगर अपलोड करें तो आप लोगों को जल्दी से व्यूज़ उस पर आते हैं। तो दूसरा नंबर आपको क्या करना है, सैटरडे और संडे को आप लोगों को अपलोड जरूर करना है वीडियो जरूर। उस दिन आपका वायरल होने का चांस ज़्यादा रहता है वीडियो। आप हफ्ते में 2 दिन आप देखोगे कि बाकी दिन में और संडे और सैटरडे के दिन में अगर आप अपलोड करते हो वीडियो तो उस दिन देखना आपका व्यूज़ ज़्यादा आता है। क्यों आता है, क्योंकि उस दिन सबकी छुट्टी रहती है, घर पे रहते हैं, सब मोबाइल में जुटे रहते हैं, इसलिए उनका उस दिन आप अगर वीडियो अपलोड करते हो तो उस दिन आपका वायरल होने का चांस ज़्यादा रहता है। आप लोगों को उसमें ज़्यादा व्यूज़ आते हैं, भर भर के व्यूज़ आते हैं। तो उस दिन आप लोग ज़रूर से ज़रूर 8-10 वीडियो कम से कम एक दिन आप लोग अपलोड जरूर करिए। मेरी बात मानिए, क्योंकि मेरे वीडियो देखिए मैंने कितना वीडियो एक दिन में मैंने कितनी वीडियो अपलोड किया है, 8-10 वीडियो। क्योंकि मेरे एक दिन में 1 या 2 वीडियो, यही गलती मैं भी करती थी, 1-2 वीडियो शॉर्ट वीडियो में डालती थी, लेकिन उस पर कितना सब्सक्राइबर आते थे, 1, 2, 3 या 4। बहुत ज़्यादा अगर 400-500 व्यूज़ आ जाते थे तो मैं 6-7 मुश्किल। तो इतने तो मेरे 1000 कंप्लीट ही नहीं होते थे, उसी पे ठप रहता था। तो ऐसे पे ना डिमोटिवाइज होने होता है, सॉरी, ऐसे में ना मन निराश हो जाता तो कि मतलब कि क्या है, करूँ कि ना करूँ, यूट्यूब छोड़ दूँ। अगर यूट्यूब पे आए हो तो आप खुल के मेहनत करिए, जम के मेहनत करिए। आप एक दिन में 8-10 वीडियो आपको मतलब कि मैटर करता है कि आप लोग शॉर्ट वीडियो कैसे बना रहे हो। ज़्यादा मेहनती वाले बना रहे हो, लिपसिंग वाले बना रहे हो, अगर लिपसिंग वाले में तो उसमें कम से कम 30-35 सेकेंड का वीडियो होता है, तो उस पर तो आप ढेर सारी वीडियो बना सकते हैं, 8-10 वीडियो एक दिन में अपलोड कर ही सकते हैं। अब दूसरे पॉइंट पर हम आते हैं कि वॉच टाइम हमारा कैसे कम्प्लीट होगा। वॉच टाइम अगर कम्प्लीट करना है तो आपको पहले नंबर तो वॉच टाइम अगर आपको कंप्लीट करना है पहले नंबर तो आपको लॉन्ग वीडियो पे ध्यान देना होगा, आपको लॉन्ग वीडियो बनाना होगा वॉच टाइम कंप्लीट। क्योंकि शॉर्ट वीडियो पे वॉच टाइम जल्दी कंप्लीट नहीं होगा, ऐसे में तो आपको 2-4 साल लग जाएंगे वॉच टाइम कंप्लीट करने। किसी तरह तो सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे लेकिन वॉच टाइम आपका नहीं बढ़ेगा। इसलिए आपको लॉन्ग वीडियो पे आपको एक टॉपिक भूल लेना है कि किस टॉपिक पे मुझे बनाना है, मिनी ब्लॉग पे या किचन से या ब्लॉग, किसी पे आपको जो अच्छा लगे आपको वो आप एक मैटर चुन लीजिए, आप उसी पे लॉन्ग वीडियो बनाइए। अगर लॉन्ग वीडियो बनाते हैं तभी आपका वॉच टाइम कंप्लीट होगा, अन्य नहीं कंप्लीट होने वाला है वॉच टाइम। इसलिए आपको फुल वीडियो पे ध्यान देना,
फुल वीडियो आप हफ्ते में 2 दिन डाल देते हैं, जैसे कि मैंने बताया पहले कि सैटरडे संडे को अगर आप फुल वीडियो बनाते हैं, लॉन्ग वीडियो बनाते हैं, 2 दिन अगर 2 वीडियो डाल दिया आपने तो दोनों वीडियो में से एक ना एक वायरल आपको व्यू जरूर होगा। एक अगर 2-4 वीडियो या 2-3 वीडियो आपका लॉन्ग वीडियो वायरल हो गया तो वॉच टाइम आप देखोगे कम्प्लीट हो जाएगा, महीने में कम्प्लीट होगा आपका वॉच टाइम, इतना याद रखना, 1 महीने में आपका वॉच टाइम कम्प्लीट होगा। आप यूट्यूब से अर्निंग कमा सकते हो जल्दी से जल्दी, आपको ज़्यादा टाइम यूट्यूब पे नहीं लगेगा। अगर वॉच टाइम कंप्लीट नहीं होगा तो 2-4 साल आपको घिस पिट इसी पे चलना होगा, तो आप निराश हो जाएगी, आपके हाथ निराशा लगेगा। तो इसीलिए आपको लॉन्ग वीडियो पे पहले नंबर पर ध्यान देना है। आप लॉन्ग वीडियो हफ्ते में 1 दिन में अपलोड करते हो तब भी ठीक है, डेली अपलोड करते हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। इसीलिए आप ये गलती मत करिएगा, 1 दिन में 1 अपलोड करते हो चलो छुट्टी, चलो हो गया मेरा, ऐसा नहीं करना है आपको। 1 दिन में कम से कम 8-10 वीडियो शॉर्ट अपलोड करना है और लॉन्ग 1 वीडियो अपलोड करना है। अगर रोज़ करते हो तो ज़्यादा अच्छा है, अगर हफ्ते में 2 दिन करते हो तो भी अच्छा है। तो आप मैं इसी पे मेथड पे वीडियो बना रहे थे कि आप लोगों को बता दूँ, जो मैं गलती कर रही थी वो गलती आप लोग ना करो, 1 दिन में 8-10 वीडियो बनाओ ताकि आप लोगों को जल्दी से जल्दी चैनल मोनेटाइज हो जाए। तो तब तक के लिए, अगर मेरा चैनल आप लोगों को अच्छा लगा, बातें मेरी अच्छी लगी, तो आप लोग मेरे चैनल पर अनुसरण करिए। तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।